इस वीडियो में हम जानेंगे टीमैप सेंसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ये हमारे जैसे भी इंजन होता है उसके ऊपर टॉप पे लगा होता है टीमैप सेंसर, जो हमारी इनलेट एयर आती है। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो इसकी, और इसके बारे में हम जानेंगे इसकी वजह से इंजन में क्या क्या फॉल्ट आते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके 5 सिम्टम्स क्या होते हैं। पहले तो हमारा DTC कोड दिखाएगा टीमैप सेंसर, और उसके बाद में क्या होता है कि स्मोकिंग भी आने लगती है इंजन में, और जो हमारा मिक्सर है फ्यूल का वो कभी लीन कभी रीच कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह से होगा, और हंटिंग भी दिखाने लगेगी मशीन, और स्टार्टिंग में हार्डिंग दिखाएगा। और जिसमें अगर हमें फॉल्ट देखना सर्विस मास्टर से, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आइडल कंडीशन पे हमारी 90 किलोग्राम से लेकर किलोग्राम पर आवर के तो 170 तक होती है आइडल कंडीशन पे, और जिसे हम फुट एक्सीलेटर देते हैं तो उस पर इसकी वैल्यू 300 किलोग्राम पर आवर की स्पीड से होती है। अगर ये कभी फॉल्ट होगा तो ये इसकी रीडिंग ज़ीरो दिखा देगा, और या इसकी रेंज में नहीं दिखाएगा, 100 से लेकर 400 की रेंज में नहीं दिखाएगा, कुछ और ही रीडिंग दिखाएगा अगर इसकी फॉल्ट है तो। तो इसको चेक कैसे करना है पहले हम जान लेते हैं। इसमें एक एलिमेंट लगा होता है यहाँ पे, ये कभी कभी क्या होता है कि हम एयर फिल्टर कभी चेंज नहीं कर पाते रेगुलरली, तो इसमें डस्ट चला जाता है, ग्रीस चली जाती है, या ये डैमेज भी हो जाता है। तो इसको रेगुलरली चेक करना है, इसको ओपन करके। इसमें 2.5 कैलन की लगती है, तो उससे आप ये ओपन कर सकते हो। इसकी वैल्यू कम होगी तो आप इसकी जो कंटिन्यूटी है वो भी चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से, इसी को पिन डैमेज तो नहीं है इस तरह से। और ये फ़िल्टर भी आपको चेक करना है, इस तरह डैमेज नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ये वीडियो हमारी इस पर्पज़ से थी कि हम पहली वीडियो बना रहे हैं इसमें, तो हम देखना चाहते हैं कि ये वीडियो बनती कैसी है। और इसकी जो टीमैप की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेम्परेचर एंड मास एयर फ्लो, यानी कि टेम्परेचर और एयर का जो बहाव होता है फ्लो होता है उसको मेजर करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये फॉल्टी होता है तो एक बात हमेशा याद रखना, इंजन में स्मोक देगी, मशीन स्टार्ट नहीं होगी, और हमारा जो एक्सीलेटर है वो काम नहीं करेगा। और आप इसको ज़रूर चेक करें अगर इस तरह से फॉल्टी आता है तो, इंजन में कोई फॉल्ट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।